जनीन है। इनका सवाल ये है कि औलिया से डायरेक्ट मदद मांगना, जैसे कि शिफा मांगना या रिस्क मांगना वगैरह के ताल्लुक से। अब क्योंकि ये शॉर्ट क्लिप है, पूरा मुकम्मल बयान तो नहीं है कि मैं इसके ऊपर पूरे जो है ना दलाइल आपको बता सकूँ। सिर्फ शॉर्ट आंसर तो यही है कि मांगना जायज़ है, क्योंकि कोई भी मुसलमान किसी भी औलिया से अगर इमदाद तलब करता है तो वो उनको या किसी कोई भी किसी से मदद मांगता है अपनी ज़िंदगी में। इस दुनिया में जिस तरह का हिसाब चल रहा है कि एक दूसरे से काम में मदद लेते हैं, तो वहाँ मदद कभी भी ये सोच कर नहीं ली जा सकती कि ये या तो अल्लाह या उसके बराबर है माज़ अल्लाह, या फिर अल्लाह नहीं दे सकता इसलिए मांग रहे हैं। बल्कि ये सारे ज़रिए हैं और असबाब हैं कि जो ज़रिए लोगों के अंदर पैदा किए गए हैं कि आपस में एक दूसरे की मदद के लिए। और कुरान ने भी इसको मदद तलब करने का हुक्म दिया है, फ़रिश्ते लोगों की मदद करते हैं, नबियों की मदद करने का हुक्म दिया गया, आपस में मुसलमानों की मदद का हुक्म दिया गया। बाज़ लोगों का ये एतराज़ होता है, जैसे सूरह फातिहा की तफसीर में वो ब्रैकेट में गायबाना लिख देते हैं, या का नाबुदु व या का नस्ताइन, और उसमें गायबाना कि हम तुझे पूजें, तुझी से मदद चाहें, गायबाना मदद। मतलब कहने का उनका ये होता है जैसे कि अगर कोई बंदा सामने है, हयात है, उससे मदद ली जा सकती है, वो ज़रिया है। जो सामने ना हो उससे मदद नहीं ली जा सकती। जबकि हदीस पाक के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कहीं ऐसी जगह पे मुश्किल में मुब्तला हो जाओ कि जहाँ तुम्हें मदद की ज़रूरत हो और कोई तुम्हारे साथ ना हो, तो हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया कि इस तरह मदद मांगो कि ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, जबकि आपको कोई वहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वहाँ मदद मांगने का, गायबाना मदद मांगने का हुक्म है। कि हुज़ूर ने फरमाया कि कुछ अल्लाह के बंदे औलिया ऐसे होते हैं कि जिनको आप देख नहीं सकते लेकिन वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो इससे पता चलता है गायबाना और ज़ाहिराना दोनों तरीके से मदद तलब की जा सकती है। दूसरी बात ये कि फ़रिश्ते भी हमारी नज़र से गायब हैं लेकिन वो हमारे साथ हैं और हमारी मदद भी करते हैं बहुत सारे मामलों में। कभी कभार आपने देखा होगा अचानक से हादसा टल जाता है, बंदा गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट का मौका आया और टल गया, या फिर बच्चा कहीं छत से गिरा उसके बावजूद भी बच गया, तो ये गायबाना मदद उनकी रहती है लेकिन वो दिखते नहीं हैं। तो गायबाना मदद में कोई हर्ज वाली बात नहीं। दूसरी बात ये कि जैसे बराबरी करने का मतलब कि अगर हम औलिया से मदद मांगे तो वो शिर्क होता है, बिना ये सोचे समझे लोग कहते हैं कि हमने उनको खुदा का तस्वुर किया हो ना किया हो लेकिन वो शिर्क है। जबकि औलिया से मांगना हकीकत में ये इनडायरेक्ट होता है, अल्लाह ताला ही को हर मुसलमान अपना खुदा मानता और इनको महबूब बंदा या उनकी बारगाह में वसीला या उनकी बारगाह में मकबूलियत के एतबार से जो है ना दुआ की जाती है। अब कोई ये कि उसको मुशरिक समझे या उसको शिर्क समझे ये सोच के खुदा ही की इबादत है, तो इसमें कोई हर्ज ही नहीं, ना किसी का इख्तलाफ है कि खुदा ही की इबादत है, उसके अलावा किसी और की इबादत शिर्क है। और अगर इबादत समझ कर, खुदा समझ कर मदद मांगेगा तो मुशरिक होगा, खुदा की बराबर समझ के मदद मांगेगा मुशरिक होगा, या फिर यह एतबार करके खुदा नहीं दे सकता इसलिए मदद मांगी जा रही है गैर से, तो मुशरिक होगा। वरना आप देखेंगे कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद को आलिम कहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिफत तो सिर्फ अल्लाह की है। अब ये वहाबी एतराज़ करने वाले लोग कि अपने आलिम को आलिम नहीं कहते, तो यहाँ भी मुशरिक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि हकीकी आलिम और अताई आलिम यानी अल्लाह तबारक व ताला का इल्म जो है वो खुद से है और बाकियों के आलिमों का इल्म अल्लाह के दिए से है। तो यही फ़र्क है इमदाद के अंदर, जो उसूल अपने लिए बयान किए जाते हैं वही दूसरों के लिए होता है। कि जो औलिया अल्लाह से मदद तलब की जाती है तो वो एक ज़ाती और अताई ही का मसला है। और बाज़ लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि ये बहुत छोटा सा फ़र्क है, ये छोटा सा फ़र्क नहीं है, ये ज़मीन और आसमान की तरह बिल्कुल जुदा शिर्क को करने वाला फ़र्क है और ये बुनियादी फ़र्क है। जिस तरह आपके आलिम में और अल्लाह ताला के आलिम होने में फ़र्क है, बिल्कुल वैसे ही फ़र्क। वैसे आपने सुना होगा शहद के अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, अब शिफा काम तो क्योंकि अल्लाह ताला का है तो शहद कैसे शिफा देगा अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर। या एतराज़ करने वाले ख़ुद भी ये कहते होंगे फ़ला दवाई के अंदर इस मर्ज़ से शिफा है, तो ये भी शिर्क होना चाहिए, क्योंकि किसी भी दवा के अंदर जब तक शिफा नहीं होगी जब तक अल्लाह ना चाहे, तो हकीकत में तो शिफा अल्लाह के हाथ में, तो दवाई की क्या ज़रूरत है। कुछ शिफा अल्लाह ही देता है तो फिर दवा बंदा क्यों खाता है, और दवा से शिफा कैसे हो जाती है अल्लाह के बगैर। तो अगर दवा शिफा देने वाली हुई तो फिर दवा से इमदाद मांगना हो गया, ये दवा को वसीला बनाना हो गया। तो जो कोई दवाई को पूजेगा हर वहाबी वो जहन्नम में जाएगा जो दवाई की पूजा करेगा, क्योंकि ये दवाई से मदद मांगना है, दवाई से शिफा हासिल करना है, जबकि शिफा देना अल्लाह तबारक व तआला का काम है। ठीक वैसे ही
जो है अल्लाह तबारक व ताला ने इमदाद के लिए जो फरिश्ते हैं वो गायबाना तरीके से बंदों की मदद करते हैं। और कुरान पाक के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि बाद विसाल किसी से मदद नहीं मांगी जाती। वो जो आयत करीमा है कि ये जो अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी को पूजते हैं, मदद मांगते हैं, ये बुतों की आयत है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने मुशरिकीन के लिए नाजिल किया कि मक्का के अंदर जो अपने हिसाब से लोगों ने बुत तैयार कर रखे थे बारिश देने का, रिस्क देने का, और उसको पूज के उसकी मदद चाहते थे, उनके बारे में है कि ये जो लोग अपने बुतों को पूज रहे हैं और मक्के के अंदर और जिनसे मदद तलब कर रहे हैं कि ये इनके मददगार नहीं है। ठीक है, बुत मददगार नहीं है, लेकिन औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला ने वो फजीलत दी है। और बाज़ को तो ऐसा तसर्रफ है, चार औलिया के बारे में तो मशहूर भी है जिसमें से गौसे आज़म है, कि ये अपनी ज़िंदगी में जिस तरह लोगों की मदद करते हैं आज भी वैसी मदद करते हैं। फ़र्क ये है कि आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप उनकी मदद के लायक हों, कुरान और सुन्नत और शरीयत की पासदारी करने वाले हों, वरना औलिया की मदद का जो है वो कोई इनकार नहीं है। तो ये कि अल्लाह तबारक व ताला से अगर कोई डायरेक्ट वलीउल्लाह से अगर कोई शिफा मांगता है तो वो इनडायरेक्ट ही मांगता है, असल में वो एक इल्तिजा और दुआ के लहजे से होता है, और हकीकी ज़ात जो होती है वो शिफा देने वाली वो अल्लाह ताला ही की होती है। तो अगर बिलफर्ज आपसे कोई कहे कि भाई आप औलिया से मदद मांगते हैं मुशरिक हैं, तो आप भी कह सकते हैं कि आप दवाई से शिफा लेते हैं आप भी मुशरिक हैं, क्योंकि दवाई से शिफा लेना भी गैरुल्लाह से शिफा लेना है, और हर गैर से शिफा लेना वो शिर्क है, जहन्नम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, चाहे वो डॉक्टर से हो या दवा से हो, क्योंकि दवा भी शिफा नहीं देती, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ही जो है ना वो शिफा देती। बाकी अगर इससे मुतालिक आपको हवाला जात देखने हो तो आप मेरी किताब हर बिदअत गुनाह नहीं, ये यूट्यूब पे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर बुक की एक लिंक पड़ी है, वहाँ पे जाके बुक को डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो वहाँ आपको हवाले मिल जाएगा। क्योंकि शॉर्ट आंसर की वीडियो थी, ये लॉन्ग हो गई है, और इसके अंदर ये सारे हवाला जात बयान करना, ये पूरा कोई लेक्चर इसके ऊपर देना पड़ेगा तब जाके काम बनेगा। तो इसके लिए या तो आप वो किताब पढ़ लें, उसके अंदर आप वो सवाल पढ़ लें इंडेक्स में देख करके वलीउल्लाह से मदद मांगना या गैरुल्लाह से मदद मांगना, या फिर किसी और आलिम दीन की तकरीर, इस पर जो मुफस्सल तकरीर हो ख़ास तौर से इसी मौजू के ऊपर गैरुल्लाह से इमदाद, आप उसको सुन ले, तो उसके अंदर आपको हवाले मिल जाएंगे। तो ये चंद मिसालें थी जो मैंने आपको दी। बाज़ लोग अभी कमेंट के अंदर वहाबी किस्म के बोलेंगे कि कुरान हदीस को कोई हवाले नहीं दिया, तो उसी हवाले के लिए मैंने कहा है कि किताब के अंदर हवाले लिखे हुए हैं, आप उसको जो है ना पढ़ सकते हैं अगर वाकई सीखने की या जानने की हकीकत जानने की नीयत है। सआदत है कोई खेल नहीं, जाने सैयद।